Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज एक साल पूरा हुआ है मेट्रोपोलिस जो पैथ लैब का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान का, इसके लिए मैं डॉक्टर वर्मा को और मेट्रोपोलिस के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। और इसमें जो सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में पर्टिकुलरली, और आज की डेट में वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। आपको भी आश्चर्य होगा कि तकरीबन हमारे गवर्नमेंट सेटअप में 38 लोग हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल एंड पैरामेडिकल लोग, जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब अपने इन्फेक्शन के साथ साथ वो अपने को ठीक करते हुए दोबारा सर्विसेज में जुड़ गए, और ये बहुत बड़ी हिस्सा है। और इस वक्त जो वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज के साथ में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। बहुत जरूरत ना हो तो घर से नहीं निकलना है, लेकिन आज सोशल डिस्टेंसिंग कम है शायद जगह की कंस्ट्रेंट की वजह से। अगर एक भी इन्फेक्टेड पेशेंट यहाँ पे होगा तो हम सबको इन्फेक्ट कर सकता है। बात बहुत छोटी है लेकिन परिणाम बड़े हैं। मुंह पे मास्क रखना है और दो गज जमीन अपने आपस में दूरियां रखनी है, और अपने हाथों को सैनिटाइज करने की आदत अपने जीवन में डालनी है, भले साबुन पानी से हो चाहे सैनिटाइजर से हो। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि वायरस से डरना नहीं है, लड़ना जरूर है, प्रिकॉशन लेनी है, घबराना नहीं है। अगर किसी को हो रहा है इन्फेक्शन अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, तो उसको तुरंत सूचित करें। आज की डेट में एक डिपार्टमेंट ऑफ वायरोलॉजी नया डिपार्टमेंट एमर्ज होकर आया है, जिसके लिए सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स धन्यवाद की पात्र हैं। तो आप सभी साथियों से मैं अपील करूंगा कि आप ईच वन टीच वन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जरूर बताएं एक बार कि आपने इस वायरस को ख़त्म करना है। आज की डेट में जो डेथ हुई, अगर उसका एनालिसिस अगर हम करते हैं तो उसमें हमने ये पाया है कि एसिम्प्टोमेटिक है, इन्फेक्शन अंदर अंदर स्प्रेड हो रहा है, लंग्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब वो रिपोर्ट करेंगे, आज बना रिपोर्ट करते हैं, दो दिन बाद डेथ हुई। ऐसी कंडीशन से बचने के लिए और समाज को बचाने के लिए हमें आगे आके प्रयास करना पड़ेगा।
और किसी के जीवन को बचा देना, किसी के जीवन के अंदर एक नई संचार व्यवस्था उत्पन्न कर देना एक बहुत बड़ी नेमत है। और आप सभी चाहोगे कि किसी दूसरे व्यक्ति की जीवन को बचाया जाए, और ये हमारा उद्देश्य भी है जीवन का। अपने लिए तो सभी जीते हैं, किसी दूसरे के लिए जीने का और कुछ कर गुजरने का वक्त है, समय है, इसका हमें फायदा उठाना चाहिए और हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। आओ आज हम यहाँ से जाएं तो अपने आप से संकल्प लें कि हमने कोरोना के बारे में भ्रांतियों को दूर करना है और सत्य तक वो बताना है लोगों को कि कोरोना एक वायरल डिजीज है और वो ऐसे ऐसे दूर हो सकती है। और कोई मुश्किल नहीं है कि आने वाले नज़दीक समय में हम इस वायरस से मुक्ति पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरा एक साल हमें मेट्रोपोलिस के साथ एसोसिएटेड हुए हो चुका है और आज हम फर्स्ट एनिवर्सरी मेट्रोपोलिस के साथ मना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आज इस एनिवर्सरी के दिन पे हमने हमारे जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन भाई बच्चे जो हैं उनको CMO साहब के हाथ से सम्मानित करवाया है। और आज कोरोना के टाइम में मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन है जिनका योगदान सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो टेस्टिंग में है, ब्लड कलेक्शन में है, वो भी काफ़ी सराहनीय है। आज मैं इस मौके पे CMO सर का, डॉक्टर सुरेंद्र नैन जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि वो शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रोग्राम में आए और अपना टाइम दिया। थैंक यू।